नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी की परीक्षा हो गई है और सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेके और इस बात को लेके परेशान है कि कौन से शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा और कौन से शिफ्ट में सबसे ज़्यादा घटेगा। हालांकि कल मैंने इसके संदर्भ में एक वीडियो डाली थी और आप सभी लोग उसे एक गलत मीनिंग निकाल के कहीं ना कहीं बस इस बातों में लड़ने में तुल जाते हो कि 15 की सेकंड शिफ्ट बहुत टफ थी, 16 की फर्स्ट शिफ्ट इतनी टफ नहीं थी। बच्चों, मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन करने नहीं आया हूँ, ना ही ये बताने आया हूँ कि कौन सी शिफ्ट बहुत ज़्यादा मतलब किसमें कितने नंबर बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक छोटा मोटा एनालिसिस जो आपको एक बहुत क्लियर विजन दे सकता है और आपकी तैयारी अब या फिर आप जो एक अंदर उहापोह की स्थिति है उसे कैसे शांत कर सकते हो उसके संदर्भ में ये पूरा सेशन आपके सामने है। थंबनेल आपने देख लिया होगा तो समझ में आ गया होगा कि हम आज केवल 15 की सेकेंड शिफ्ट और 16 की फर्स्ट शिफ्ट को कंपेयर करेंगे। अधिकांश बच्चे और इवन मैं बोलूंगा यूट्यूब चैनल्स के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि 15 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन थी। और अगर मैं अपनी बात करूं जो मेरा एक खुद है, मैं अभी कल एक वीडियो बनाया था उसमें भी ये बोला था कि 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो स्लाइटली, मैं ये नहीं बोला बहुत थी, 15 की सेकंड शिफ्ट है। वैसे अगर हम ओवरऑल चारों पेपर में देखा जाए तो 15 की सेकंड शिफ्ट और 16 की फर्स्ट शिफ्ट वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में से थी, दोनों ही इक्वल तराजू पे बोला जाएगा। बट अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूं तो वो एनालिसिस मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे और आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इस एनालिसिस पे आप किस पे जाओगे कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी। होता क्या है बच्चों, जब भी कोई टीचर कोई अध्यापक आपके सामने कोई व्यू रखता है तो ये एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट होता है, एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा होता है जहां पे बच्चे का जिस शिफ्ट में बैठा है उसे अपना ही शिफ्ट टफ लगता है क्योंकि वो बाकी तीन शिफ्ट से को पेपर नहीं एनालाइज किया होता है, जबकि टीचर जो होता है वो चारों शिफ्ट को एनालाइज किया होता है, पहली बात ये। दूसरी बात, हर बच्चा, और ये स्वाभाविक भी और होना भी चाहिए, हर बच्चा अपने आप को अच्छा समझने का प्रयास करता है या अपनी स्थिति को चाहता है कि वो अच्छा रहे, और कौन नहीं चाहेगा कि उसकी स्थिति अच्छी रहे, और इसके चक्कर में वो पूर्वग्रहित हो जाता है, प्रेजुडाइज्ड हो जाता है, जो शायद उसे दूर ले जाता है कि हकीकत क्या है, उससे वो दूर हो जाता है। अभी हम देखेंगे, ये तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट और 16 अक्टूबर की शिफ्ट वन पे, और इसको मैंने कुछ प्रूफ के साथ लिया है और मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिर क्यों हम दोनों शिफ्ट में से कंपैरिजन कर रहे हैं और क्यों 15 की सेकंड शिफ्ट और 16 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे टफेस्ट बोल रहे हैं। सबसे पहले आता है कि ये 15 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन था ये लाइन चार्ट का था, इसमें दो लाइन थे, बी और ए दिया हुआ था, ऊपर वाली लाइन बी थी, नीचे वाली लाइन ए थी। इसमें परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ था और इसमें दिया हुआ था कि किसी कंपनी का जो व्यय का बता रहा था, किसी कंपनी की आय की बात कर रहा था, और जो इसमें दिया हुआ था लाभ का प्रतिशत दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन केवल उनके लिए जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते थे। इस पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों केवल इतना था कि जो हम 100% मानते हैं वो व्यय को मानते हैं, इन्वेस्टमेंट को मानते हैं। जब भी डीआई के प्रश्न को हम लगाते हैं इन्वेस्टमेंट की फेज में तो हम इन्वेस्टमेंट को 100% मान लेते हैं, और जिन बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन पहले से किया होगा उनके लिए ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन भी था, और जिन बच्चों ने इसको नहीं कभी पढ़ा होगा, मैथ्स का कॉन्सेप्ट था, उनके लिए वन ऑफ द टफेस्ट, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उनसे 5 के 5 क्वेश्चन नहीं लगे, और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता था उनसे 5 के 5 क्वेश्चन के उत्तर आए हैं। अब बात आती है कि हम पर्टिकुलर 1, 2, 5, 10 बच्चों या 1%, 2% बच्चों की बात करें या फिर हम ओवरऑल बच्चों की बात करें। देखो, जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो आपके शिफ्ट में और ओवरऑल दोनों का ही कंसीडर किया जाता है। 0.1% टॉप 0.1% बच्चे का, यहां पे अगर आप नॉर्मलाइज वाला फॉर्मूला देखोगे तो ये जो एमजीटी और एमटीआई है ये अपने अपने शिफ्ट में, ये ओवरऑल शिफ्ट में 0.1% है जो टॉपर्स हैं उनका एवरेज, और ये आपके शिफ्ट में जो बच्चे होते हैं उनका एवरेज होता है 0.1%। अब एक बात समझना, जो टॉपर होता है वो तो टॉपर ही होता है, उसकी मैथ्स भी अच्छी होती है, जो 0.1% होंगे, 0.1% मतलब ये हो गया कि 99% या उससे ऊपर वाले, और आप अगर पिछले साल से एनालाइज करो बच्चों तो 99% वालों के मार्क्स कितने थे, सभी लोग 80 नंबर से ऊपर वाले थे, और 80 नंबर से ऊपर लाने वाला बच्चा वो वही बच्चा होगा जो केवल जीएस और मैथ्स केवल एक पार्ट स्ट्रांग नहीं, उसका ओवरऑल सब स्ट्रांग होगा, वो मैथ्स में भी अच्छी मेहनत करता है, वो जीएस में भी मेहनत करता है, वो हिंदी में भी करता है, अंग्रेजी में भी करता है, इस बात को आप कंसिडर करके चलना। तो अगर जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता था उनके लिए तो ये क्वेश्चन आसान था,
जिनको नहीं पता था उनके लिए रियली टफ था, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे मतलब वो कितना भी समय बर्बाद करते, कितना भी दिमाग लगा लें, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगेगा। तो मैं इस कैटेगरी को क्या बोलूंगा, टफ कैटेगरी में बोलूंगा, क्योंकि 0.1% बच्चों को ही पता होता है। जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, या जो फ्रेशर, हम ये भी नहीं भूलेंगे इस बार पीटी 2022 में बहुत सारे नए कैंडिडेट, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो पढ़ाई नई नई शुरुआत की, उन्होंने भी फॉर्म भरा था और परीक्षा में वो अपियर हुए, तो उनकी वजह से, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करने वाले बच्चे कम हो जाएंगे, इस कारण से ओवरऑल एवरेज तो कम होगा, लेकिन अगर हम देखा जाए 0.1% उनके एवरेज पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट कैटेगरी में हम इसे रखते हैं, लेकिन केवल उनको कंसिडर करके जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए। और ये पांच क्वेश्चन जिनको नहीं आता है उनको पांच क्वेश्चन का लॉस हुआ है। आगे देखा जाए तो ये वाला जो डीआई था इसमें भी करीबन 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम की डीआई थी, और इसका कैलकुलेशन चारों शिफ्ट के पेपर को अगर मैं कंपेयर करूं, चारों शिफ्ट के पेपर में अगर किसी डीआई को सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव मैं बोलूंगा तो वो ये वाले डीआई थी। इसका डिजिट भी, इसका परसेंटेज निकालना भी, इसका डिवाइड करना भी, जोड़ना भी, सब कुछ कठिन था। तो वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव, अगर मैं कैलकुलेटिव की कैटेगरी में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कैलकुलेटिव पार्ट था। ये 15 शिफ्ट है, मैं 15 के सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों शिफ्ट में टोटल जो ये भी नहीं कर पाए उन्हें भी पांच क्वेश्चन का लॉस हुआ है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन का लॉस इस वाले शिफ्ट में एक एवरेज बच्चों को, सभी को नहीं, एवरेज बच्चों को इस 10 क्वेश्चन का लॉस हुआ है। लेकिन इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल था, वही एवरेज, वही रेशियो, वही परसेंटेज पूछा था। तो ऐसा नहीं है कि पांच के पांचों क्वेश्चन कोई छोड़ के आया होगा, जिसको समय मिला होगा वो पांच में से हो सकता है 2 या 3 या हो सकता है 4 भी करके आया होगा, हम एवरेज मान के चलते हैं 2-3 क्वेश्चन इसमें करके आया ही होगा। तो इसमें से 5 का लॉस नहीं होगा, वो 2-3 अगर हटा दिया जाए तो 2-3 क्वेश्चन का लॉस इसमें होगा, मतलब 5 क्वेश्चन का उधर और 2-3 क्वेश्चन का उधर। इसमें तो है, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, लिटरली नहीं कर पाएगा। इसमें है, जिसको आता है थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रयास करेगा तो कर ले जाएगा। एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब 7-8 बच्चों का, 7-8 क्वेश्चन का लॉस हुआ। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो जीएस हिंदी इंग्लिश वाले पार्ट में थे। वैसे अगर मैं ओवरऑल बात की करूं तो पूरे चारों शिफ्ट में मैथ्स बहुत इजी थी, उसके बाद अगर रीजनिंग देखा जाए रीजनिंग भी बहुत इजी थी, हिंदी भी सभी में बहुत इजी थी, हिंदी ग्रामर की बात कर रहा हूं, और अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी आसान लेवल की थी, ये चारों पार्ट आसान थे। करंट अफेयर्स को हम इस मुद्दे में नहीं रखेंगे क्योंकि करंट आसान और कठिन नहीं होता, जो करंट पढ़ा होता है उसे करंट आती है, जो करंट पे मेहनत नहीं किया होता वो करंट नहीं आती है, वो कोई कन्वेंशनल सब्जेक्ट नहीं है, पारंपरिक सब्जेक्ट नहीं है, और इस कारण से करंट पे मैं ये नहीं डिसाइड करूंगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी करंट पे पेजराइज करो। वो आंकड़ा ना मैं बता पाऊंगा बच्चों, ना आप बता पाओगे, ना कोई संस्था बता पाएगी, वो आंकड़ा केवल आयोग के पास है कि कौन से शिफ्ट में करंट के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए, और वो भी डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में ज्यादा अच्छे वाले बच्चे हैं। केवल संयोग है, होता सब एवरेज ही है, लेकिन ऐसा संयोग बस हो सकता है कि किसी शिफ्ट में भले ही करंट उत्पटांग पूछा हो लेकिन उसमें मैक्सिमम वो बच्चे हों जो क्या हो, उनकी करंट अच्छे से स्ट्रांग रही हो या उनकी किस्मत अच्छी रही हो। तो वो फैक्टर केवल आयोग के पास है, वो मैं आप कोई नहीं बता सकता है। तो करंट को हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, करंट कहीं भी आसान और टफ नहीं होती, पढ़े हो तो आसान है, नहीं पढ़े हो तो कठिन है, वो सबके लिए बराबर है। इसमें देखो, जैसे ये वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, ऐसे पूछा जाता है वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पे आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके था, बट ये कठिन नहीं था। मैं ये बोलूंगा थोड़ा आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो कि यार ऑप्शन सोचने में समय लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़े होगे, जो थोड़ी सी अच्छी स्टडी करते हो, वो उनके लिए डुएबल नहीं था, डुएबल था। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 0.1% वालों को कंसिडर किया जाता है, उनके लिए कठिन नहीं था। बट हम एवरेज वालों की बात करेंगे तो एवरेज वालों के लिए प्रश्न क्या था, एवरेज वाले बच्चों के लिए ये कठिन प्रश्न था, क्योंकि जनरली कौन सी किताबें पढ़ते हो आप लोग, लूसेंट पढ़ते हो या फिर आप कोई बेसिक किताबें पढ़ते हो, तो जनरली जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो डीप किताबें नहीं पढ़ते हो, तो इसे मिलना, ये फैक्ट मिलना उतना आसान नहीं होता है, तो आप वंचित रह जाते हो। इस कारण से इस क्वेश्चन को कम बच्चे कर पाए हैं या कंफ्यूजन में गलत करके आए हैं। दूसरा था पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। अब ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसका क्या था, इसका विकल्प क्या था, कठिन था। और विकल्प अगर कठिन था, कठिन मतलब कंफ्यूजिंग था, तो आप इस वाले पॉइंट को देखो, इसमें प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, और इसमें प्रकाश की गुणवत्ता दिया है, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा। विकल्प सी और विकल्प ए कंफ्यूजिंग था, क्योंकि अवधि शायद कहीं मेंशन नहीं होता है, ठीक है, या कई बच्चे मात्रा में कंफ्यूज हुए हैं। इसका सही जवाब तो ए ही था, है ना, लेकिन फिर भी आयोग क्या मानता है, इसका सही जवाब ए ही होगा।
और दूसरी बात, बच्चों ने इस पे समय खर्च किया है और बहुत सारे बच्चे इसके गलत जवाब भी लगा के आए हैं। तो दो प्रश्न ये हो गया, एक साइंस का हो गया, एक हिस्ट्री का हो गया। तीसरा ये है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम जो है ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है, ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है। तो ऐसे बच्चे जो तैयारी नई नई शुरुआत किए हैं वो इस क्वेश्चन को अधिकतर छोड़े हैं और वो भी कंसिडर किए जाएंगे शिफ्ट को टफ या आसान बनाने में, क्योंकि एवरेज बच्चा जितना क्वेश्चन छोड़ेगा वो सिर्फ उतना ही टफ होगी, एवरेज बच्चा जितने क्वेश्चन को करेगा वो सिर्फ उतना ही आसान होगी, समझिएगा। तो एक क्वेश्चन इंग्लिश का, एक क्वेश्चन साइंस का, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का, तीन ये हो गए। तीन क्वेश्चन अगर इधर देखा जाए, मतलब मैं यहां पे करूं तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो टफेस्ट कैटेगरी में रख सकते हो, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका साइंस का है जिसमें कंफ्यूजन की कैटेगरी में रख सकते हो, और एक क्वेश्चन इंग्लिश का है जो मॉडरेट लेवल पे रख सकते हो, ये है। बाकी जो है 10 क्वेश्चन आप किसी का बोल सकते हो, डीआई का, और वो है डीआई जो सबसे टफ थी। मैं बोलूंगा इस बात को सबसे टफेस्ट, क्योंकि मैं एवरेज बच्चे को लेकर चलूंगा, मैं टॉपर को लेकर नहीं चलूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन एवरेज बच्चों पर की जाती है, टॉपर पर नहीं की जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो 13 क्वेश्चन का फ्लैट लॉस ऐसा था, जो अधिकांश बच्चे इस 13 क्वेश्चन को या तो गलत करेंगे, या तो स्किप करेंगे, या तो छोड़ के आएंगे, और एवरेज जो अटेम्प्ट होता है वो 90 के आसपास होता है, 90 में अगर 13 लॉस हो जाता है तो वैसे ही आप 77 पे पहुंच जाते हो, और उसके बाद 3 नंबर और जाता है, मतलब 75-76 पे। इसके कारण से एवरेज स्कोर 75-76 पे उनके जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी बात करो, जो 90 अटेम्प्ट करके आते हैं, 90-92-93 अटेम्प्ट करके आते हैं, उनके स्कोर 75 के आसपास होते हैं, ये 15। और क्योंकि ये मैं अच्छे बच्चों की बात करूं तो जो एवरेज बच्चा होता है वो 60-62-63 पे ही कहीं ना कहीं वो घूम रहा है 15 के सेकंड शिफ्ट पे, ये ध्यान देना। आगे देख लें, अगर हम 16 के शिफ्ट की बात करें, हम 16 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो 16 के फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों, अब मुझे बताते चलना कि आपको कौन सा आसान कौन सा टफ लगेगा। मैं एकदम बोलूंगा कि पूर्वग्रहित मत हो। देखो, आप जिस शिफ्ट में हो नो डाउट कि आपको वो शिफ्ट टफ लगती है, और होते भी है, एग्जाम का टेम्परामेंट एकदम अलग होता है बच्चों। अगर वहां पर मुझे भी बिठा दिया जाए तो शायद मैं इतना ना कर पाऊं जितना आप लोग भी कर लेते हो, क्योंकि शायद मेरी वो प्रैक्टिस छुट्टी होती है, इतना बहुत क्लियर। शायद सारे टीचर ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जेन्युइन बातें वो मैं से बोलूंगा, ना ही मेरा सारे विषय पे पकड़ है, जितना एक अभ्यर्थी तैयार करता है लास्ट के 2-3 महीने में मेहनत करता है, बहुत क्लियर सी बात है। तो एग्जाम में बैठने का टेम्परामेंट अलग होता है, और यहां पे टेम्परामेंट बाद में सॉल्व करने का अलग होता है, बट हम बाद में कूल माइंड से उसे एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं। अब इसको देखो तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ये 16 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी सेट करता है, ना कि पीटी वगैरह में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इस कारण से मैं इस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रखूंगा। एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, दूसरा 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये हालांकि वैश्वीकरण है, बट इसमें भी जो फ्रेशर बच्चा है उसको कंसिडर किया जाए तो उसके लिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या रहेगा, टफ रहेगा। आगे देखते हैं कि इसमें देखें, ये वाला जो क्वेश्चन था इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें बच्चों ने सबसे ज्यादा जो विकल्प चूज किया है वो जगलर, जबकि एकदम अलग होता है, और ऑक्सनर और ऑक्सनियर, ये शब्द क्योंकि कभी वो सुने ही नहीं थे, वन ऑफ द मोस्ट लो फ्रीक्वेंसी वर्ड बोल सकते हो, तो इस पे उनका दिमाग ही नहीं किया है। तो ये इंग्लिश के एक क्वेश्चन को क्या कर दिया है, टफ की कैटेगरी में डाल दिए। 3 क्वेश्चन यहां पे हुए। उसके बाद देखो यहां पे, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली उनको तो पता होता है, लेकिन जैसे भारत का मैनचेस्टर, उत्तर पूर्व का मैनचेस्टर, ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़े होते हो, इस भारत का स्कॉटलैंड बहुत ही रेयर किताबों में दिया होता है, या बहुत ही कम उसमें दिमाग जाता है या याद रह जाता है, इस कारण से ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मॉडरेट। और बहुत सारे बच्चे, आप मुझे खुद बताइएगा जिन बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हुए हैं या कंफ्यूज हुए, कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि ज्यादा अच्छे से एनालिसिस में यहां पे कर पाऊं। तो यहां पे इसका उत्तर हालांकि कुर्ग था, लेकिन ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। मैं आसान उन प्रश्नों को बोल रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे आप जनरली किसी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, रेयरली किसी में पूछ लिया गया हो तो पूछ लिया गया, ये फैक्ट आप जनरली इसे पढ़ते नहीं हो। आगे देखा जाए तो कला, ये जो सांझी कला है, सांझी कला, हालांकि ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट ये उन बच्चों को जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको ज्यादा पढ़ाया जाता है, आर्ट एंड कल्चर में जनरल बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी अगर आप पढ़े होगे तब तो ये आसान है, वरना एवरेज बच्चों के लिए क्वेश्चन क्या था, टफ था। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित,
इसमें मैक्सिमम बच्चों को यह पता होता है कि जो ओजोन होता है वो पैराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट रेज को करते हैं, और जब भी उन्हें वायुमंडल में आता है तो अल्टीमेटली उनके दिमाग में वही ओजोन जाता है, वही पैराबैंगनी किरणें जाती हैं, जबकि इसका सही उत्तर इंफ्रारेड औरक्तिक विकिरण था। और कंफ्यूजन में यह भी क्वेश्चन हुआ है, तो कंफ्यूजन की कैटेगरी के कारण उस शिफ्ट का स्कोर ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है एवरेज स्कोर को। आगे देखें तो ये इसमें सबसे बड़ी बात थी, 16 के शिफ्ट को मैं क्यों कंसिडर किया, उसके कारण था हिंदी का पैसेज। हिंदी का पैसेज बच्चों ऐसा था, और यकीन मानो हिंदी का पैसेज ऐसा था, दोनों ही पैसेज जिसमें दो एक एक में दो क्वेश्चन और एक में दो से तीन क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल चार से पांच क्वेश्चन, दस में से चार पांच क्वेश्चन का उत्तर शायद अभी तक कोचिंगों ने भी अन्य संस्थाओं ने भी सही नहीं बताया है, जिसका निर्धारण कौन करेगा, आयोग करेगा। जैसे ये वाला प्रश्न था, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात, ये पैसेज की दृष्टि से नहीं पूछा था, आपकी दृष्टि से पूछा था, तो आपकी दृष्टि कुछ भी हो सकती है। देखने में लग रहा है बच्चों के मित्र मैक्सिमम लोग इसका उत्तर भी बता रहे हैं, और 90% ये सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आयोग इसे राज्य सरकार भी मान ले। क्यों? क्योंकि ये आपकी दृष्टि से पूछा है और दोनों का ही जिक्र किया गया था। अगर इसमें ऐसा सोचा जाए बच्चों के मित्र, तो मित्र केवल जरूरी थोड़ी है कि मित्र गलत काम के लिए आपको उकसाते हैं, मित्र आपको अच्छे काम के लिए भी बोलते हैं, तो मित्र अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी करवा सकता है, तो इस कारण से आपकी दृष्टि में मित्र कोई नहीं। अगर पैसेज के आधार पर होता तब तो बिल्कुल आप बोल देते हैं हाँ पहली दूसरी लाइन में लिखा था, वहां पर कंसिडर कर लेते, आपकी दृष्टि में ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा और ये आयोग पर डिपेंड करेगा। और इसमें बच्चों ने समय भी लगाया है, और कहीं ना कहीं इसको बहुत सारे बच्चों ने गलत ऑप्शन भी चूज करके आए हैं। आगे देखा जाए तो ये वाला, इसको देखा जाए कि रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदा, जो शेयर इन्वेस्टमेंट और वो वाला पैसेज था, शेयर और बचत वाला है ना, निवेश और बचत वाला, उसमें भी इसका उत्तर मैक्सिमम कोचिंग क्या दी है, 2 और 4 दी है। लेकिन एक बात वो भी शायद नहीं समझ पा रही है, मैं किसी को गलत और सही नहीं बोल रहा हूं, शायद मैं कुछ ओवर सोच रहा हूं, या हो सकता है कि वो कोचिंग जो अन्य अध्यापक हैं, भाई इज्जत सबकी मैं करता हूं, और हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर मुझसे सोच पा रहे हैं, लेकिन जो मुझे कारण लगता है, इसने लिखा है क्यों दो क्यों नहीं होगा, बोले रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। पहली बात, अगर वो शेयर में रुपया लगाता है तो वो बचत नहीं है, वो निवेश है, वो बचत नहीं है वो निवेश है, और ये शब्द इस विकल्प को क्या कर देगा, गलत कर देगा। इस कारण से ए विकल्प 4 वाला ज्यादा सही होगा। बहुत सारे बच्चे 4 लगाए, बहुत सारे बच्चे 2-4 लगाए हैं, तो इस कारण से भी ये प्रश्न क्या कर रहा है, क्या बहुत ज्यादा। और ये दोनों पैसेज ऐसे थे जो बहुत टाइम ले गए, और दोनों पैसेज, अब हिंदी का पैसेज टफ हो जाए, भाई एक वो बच्चा है जो पैसेज सही से पढ़े ना, ओवर थ्रू लगा के चलाए, तो उसे लगा पेपर आसान था, बट उसकी गहराई को देखोगे, और अगर हम उसके उत्तर पे आ जाए कि आपसे कितने गलत हो रहे, जनरली पैसेज में बच्चे 10 में से 8-9 सही करते हैं, और यहां पे अगर आपके केवल 4 ही 5 सही हो 10 में से, तो इसका मतलब पैसेज टफ है, पैसेज में आपका समय भी अतिरिक्त जा रहा है, बार बार आप सोच रहे हो कि ये विकल्प। और दूसरी बात, पैसेज में कूट, ये देखो इसने क्या दिया, कूट में प्रश्नों को दिया 1, 2 सही, 2, 3 सही, 2, 3, 4 सही। ये पीसीएस के लेवल में भी कभी ऐसा समीक्षा अधिकारी वगैरह में भी ऐसा नहीं पूछता, या पीसीएस के सी सेट में भी नहीं पूछता, या कोई कठिन स्तर के परीक्षा में भी हिंदी में कूट में पैसेज नहीं पूछता, इसमें कूट में पैसेज पूछा गया है, तो पैसेज को मैं कठिन की डिग्री यहां पर दूंगा। अब ये बात अलग है बच्चों के, इस शिफ्ट में सारे तेज बच्चे बैठ जाए और वो सारे उत्तर सही कर ले, या कोई जो तुक्का मार के आयोग भी वही मान ले और उसका सही हो जाए, ये किस्मत की बात है। बट एक एनालिसिस की बात करूंगा तो ये पैसे, दोनों पैसे को टफ बोला जाएगा, उसे ना मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकता हूं, हो सकता है आपके सोचने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, या किसी अन्य अध्यापक को सोचने का तरीका अलग अलग हो, बट इस पैसे को टफ ना कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये वाली जो डीआई थी, इस वाले डीआई में देखा जाए तो ये 16 के फर्स्ट शिफ्ट की डीआई थी, और इसमें भी मेल और फीमेल का क्या परसेंटेज दिया हुआ है, यहां पे भी मेल और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ है, यहां पे टोटल नंबर दिया हुआ, और ये वन ऑफ द कैलकुलेटिव था कि आपको इसका भी परसेंटेज निकालना था, इसका भी परसेंटेज निकालना था, जोड़ना था, यहां के परसेंटेज से यहां के परसेंटेज से निकाल कर डिफरेंस का, उसके बाद उसका टोटल इंक्रीमेंट देखना था। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला जो आपका पैसेज था ये कैलकुलेटिव की कैटेगरी में था। अगर मैं इस पैसेज को 15 के फर्स्ट शिफ्ट के इस वाले पैसेज से कंपेयर करूं, तो हां ये जरूर बात है कि ये वाला 15 के सेकंड शिफ्ट वाला पैसेज ज्यादा कठिन था। ठीक, हां कहां गया, ये देखिए 15 के इस वाले शिफ्ट का जो पैसेज था, ये वाला पैसेज को कठिन ज्यादा बोला जाएगा, कैलकुलेटिव भी बोला जाएगा, लेकिन अगर अंतर किया जाए तो 19-20 का होगा, मगर 16 का
फर्स्ट शिफ्ट का अगर ये वाली डीआई अगर 19 है तो उसकी 20 होगी, एक का अंतर केवल होगा, ज्यादा का अंतर नहीं होगा। ये बात अलग है कि अगर हम इस वाले डीआई की बात करें तो ये डीआई आसान तो थी, ये टेबल आसान तो था, बट क्या था, बट इसमें तुलना बहुत करना पड़ रहा था, कंपैरिजन बहुत करना पड़ रहा था, इसलिए क्या थी, टाइम टेकिंग थी। और जब कोई चीज टाइम टेकिंग होती है तो वो टेम्परामेंट बिगाड़ती है, और जब टेम्परामेंट बिगाड़ती है तो पेपर क्या होता है, बिलो एवरेज हो जाता है, ये बात क्लियर है। तो इस डीआई को देखा जाए तो हालांकि उतना 15 के सेकंड शिफ्ट जैसा तो टफ नहीं था, लेकिन फिर भी कैलकुलेटिव दोनों ही डीआई थी, बाकी दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, और 15 के सेकंड शिफ्ट में भी दो डीआई नॉर्मल थे, कोई कठिन नहीं था जो चार्ट वाला क्वेश्चन था। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो देखो इनमें से, अच्छा ऐसा एक चीज देखना, इसमें ऐसा नहीं कि बच्चों का डीआई का 5-5 मतलब 10 क्वेश्चन छोड़ के, नहीं, इस 5 में से कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, तो इसमें अगर देखा जाए तो करीबन 1-2 क्वेश्चन, बाकी तो कर ही लिए होंगे, 2 क्वेश्चन का लॉस यहां हुआ होगा, ऐसे ही 2 क्वेश्चन का लॉस यहां हुआ होगा, एवरेज की बात कर रहा हूं, और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 प्रश्नों में से अगर मैं बोलूं तो कम से कम 5 प्रश्नों का लॉस यहां पे भी हुआ होगा, तो 5, 4, 9 प्रश्न का लॉस इसमें हुआ है, 9, और मैं तो बहुत फिल्टर करके कर रहा हूं, तो 11-12 इसे भी बोल सकते हो, और अगर इसमें भी ओमिट करके करूं कि सारे के सारे नहीं बच्चे गलत नहीं किए होंगे, फिर भी अगर मैं करूं कि ये वाला डीआई अगर बच्चा नहीं समझ पाया तो 0 ही किया होगा, कुछ नहीं कर पाया होगा, तो यहां पे भी अगर कहां पे मैं दिखा रहा था, यहां पे भी देखा जाए तो इसमें भी आपका करीबन 9-10, तो मैं ये बोलूंगा कि 15 के शिफ्ट में ऑन एवरेज, 15 के सेकंड शिफ्ट में ऑन एवरेज अगर बच्चे को 10 क्वेश्चन का लॉस हुआ है, तो ऐसे ही 16 के फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन का लॉस हुआ है पेपर के स्तर पे, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों का, लगभग 19-20, इस कारण से मैं 16 के फर्स्ट शिफ्ट को थोड़ा ज्यादा टफ बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर डीआई भी कैलकुलेटिव थी, हिंदी का पैसेज भी कंफ्यूजिंग था, और जीएस भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पूछा था। अगर हम 15 के सेकंड शिफ्ट की बात करें तो जीएस बाकी चीजें नॉर्मल थी, 1-2 क्वेश्चन जीएस में भी कंफ्यूजिंग था, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश थोड़ा आसान आ गई थी ये देखना, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आसान आ गई थी, बट अगर लॉस की बात किया जाए तो अन्य में ये ऐसे क्वेश्चन है जो अच्छे बच्चे भी लॉस करते हैं, तो एवरेज बच्चे तो लॉस करेंगे ही करेंगे। इस कारण से अगर ये मेरा एक अनुमान है, बाकी आप भी कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा कठिन थी, आपको कौन सी ज्यादा कठिन लगी, और आपका उसमें अनुभव क्या रहा। बाकी रही बात कि बच्चों नॉर्मलाइजेशन क्या फर्क पड़ेगा, तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था बहुत सारे बच्चों का, सर 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का फर्क नहीं पड़ेगा, देखो मैंने ये बोला था कि 2 केस जब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हालांकि पीटी बढ़ेगा बढ़ेगा ही सीन नहीं होता, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर बढ़ता घटता है तो फिर फर्क कितना पड़ेगा, 6-7 क्वेश्चन का पड़ेगा। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखें तो लोअर की जो 2019 वाली परीक्षा थी उसमें भी 4-5 क्वेश्चन बच्चों के घटे थे, और अभी रिजल्ट आएगा उसका स्कोर कार्ड आएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन का फर्क पड़ा था, 4-5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूं कि अगर बोला जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन का दोनों तरफ लिया जाए, अगर केवल बढ़ता बढ़ता तो वो 10 ही आप उसे बोलते हैं, लेकिन क्योंकि किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा, और इतना भी नहीं फिर भी आप 4-5 के एवरेज में लेके चलो, फिर भी ये मेरा फाइनल नहीं है, मैं इतना आपसे बोलूंगा। सब कुछ क्या डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में कैसे बच्चे और एवरेज स्कोर, वो सारी बातें बच्चों तब पता चलेंगी जब फाइनल आंसर की आ जाएगी आयोग की, और मैं आपसे एक डेटा फिल करवा लूंगा और एक एवरेज निकाल के एनालिसिस आपके सामने लेके आऊंगा। बाकी मैं ये चाहूंगा कि कोई भी इसे भावनात्मक रूप से अपने ऊपर मत लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, अब जो हो गया है वो हो गया है, उसे कोई बदल नहीं सकता है, और मैं चाहूंगा आप सभी को ही फायदा मिले, सभी लोग के परसेंटाइल ज्यादा अच्छे हों, और सभी लोग को मुख्य, अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो भी आप हो उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका अवसर जरूर मिले, कुछ भी ऐसा हो जाए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को।